प्रकार से हम लोग जुड़े रहे हैं ओशो आश्रम को, ओशो की धरोहर को बचाने के लिए। योगेश चतुर्जी पिछले कई सालों से यहाँ पर ओशो की देशना को बचाने के लिए जुड़े हैं। तो जिस प्रकार से आज हमारे माननीय मंत्री साहब ने यहाँ पर प्रोमिसेस किए हैं, तो आप उनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ओशो आश्रम बिकने को लेकर के, उसके साथ साथ में ओशो आश्रम में लोगों को बैन करने को लेकर के सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों को घुसने नहीं दिया जाता वहां पर, लोगों से मना कर दिया जाता है कि आप नहीं जा सकते पिक एंड चूज, जबकि ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर कभी भी किसी को पिक एंड चूज नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं किया जा सकता कि आप आ सकते हैं और आप नहीं आ सकते। सभी को यहाँ पर सुविधा होनी चाहिए अपने मास्टर की समाधि को के दर्शन करने में। उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आप लोगों को एक चीज तो पहले ये बताना चाहूंगा कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट तो है, लेकिन उसके अंदर प्राइवेट लोग भी से तो इन प्राइवेट लोगों को बाहर निकालना है और पब्लिक को अंदर लाना है। तो पहला मुद्दा अब हमारे चैरिटी कमिश्नर के पास ये होगा कि बाकी का फैसला बाद में, या तो एडमिनिस्ट्रेटर बैठाए या वापस इलेक्शन कराए। ये कौन लोग हैं जो हटते नहीं हैं? ये कौन लोग हैं जो सालों साल से घूम रहे हैं उसके अंदर? तो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है तो उसको वाकई में पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया जाए और उसके अंदर पब्लिक को लाया जाए, ओशो के अनुयायी को लाया जाए। जो ओशो के अनुयायी ओशो के साथ रहे हैं वो उस आश्रम को चलाएंगे, न कि लंदन और अमेरिका से बैठ के आश्रम चलेगा। जी बिल्कुल, ज्यूरिख से भी ज्यूरिख से भी नहीं चलेगा। जिस तरह शातिरता पूर्वक यहाँ की प्रॉपर्टी को कानूनी जामे का थोड़ा बहुत लूप रूल्स दे के ज्यूरिख बना दिया गया है, वहाँ पे एक इंटरनेशनल बना दिया गया है, इसके लिए ईडी से इंक्वायरी होनी चाहिए। जो पैसा जा रहा है उसका बाहर जाना, तो बाहर से जाने वाले पैसे को वापस लाना चाहिए। जो जा रहा है पैसा वो तो बंद होना चाहिए और जो गया है वो वापस आना चाहिए। वंडरफुल जी, क्योंकि हमारे देश की धरोहर है, पूरी तरह से हमारे देश में वो पैसा वापस आना चाहिए। ये देश की धरोहर नहीं, आचार्य रजनीश जो है विश्व की धरोहर है और ये भारत का अभिमान है और भारत के अभिमान को भारत के साथ रहने देना चाहिए। और जो इस अभिमान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये सिर्फ चैरिटी कमिश्नर का मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे के लिए सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से इंक्वायरी करानी चाहिए। बिल्कुल, मजा आ गया, पूरा जोश दे दिया।